हेलो गाइस, वेलकम टू सेंट्रल लाइटिंग इंडस्ट्री। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे सामने ये हमारे ब्रांड में कुछ हाउसिंग प्रिंट करके रखी हुई हैं। तो इस वीडियो में एंड तक रुकेंगे तो आपके बहुत फ़ायदे की बात होगी, और मैं आपको कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी जो आपका लॉसेज हो रहे हैं उनको आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ये पूरा हाउसिंग रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे ब्रांड में प्रिंटेड है। और अगर आपको अपने ब्रांड में प्रिंट चाहिए तो आपको 9 वॉट का या फिर कितने ही वॉट का हाउसिंग हो, आप अपने ब्रांड में प्रिंट करवा के ले सकते हैं। तो ये आप हाउसिंग देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी हैवी वेटेड हाउसिंग है। ठीक है, और इसके अंदर भी एल्यूमिनियम का जो मतलब कोटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे आपका जो भी हीट सिंक होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, आपको अगर अपने ब्रांड में चाहिए तो अपने ब्रांड में भी आपको हाउसिंग जितनी भी है आपको मिल जाएगी, हाउसिंग की कमी नहीं है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अगर जो कहते हैं कि सर मुझे थोड़ी सी बड़ी लाइट चाहिए, बड़ी लाइट बोले तो 40-50 वॉट तक का मुझे लाइट चाहिए, तो आप हमारे यहाँ पर 40-50 वॉट का भी कम से कम दामों में डोम लाइट परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 35 वॉट की लाइट है, डोम लाइट है, रेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप रेडी में परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी, काफ़ी किफ़ायती लाइट है और आप इसमें मार्केट में इससे डबल मार्जिन के साथ इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली डोम लाइट चाहिए या फिर हाउसिंग परचेस करना है या फिर रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे एक बार जरूर कॉल करें। ठीक है, और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये आपको मैंने डोम लाइट के बारे में बता दिया। आपको डोम लाइट 35 वॉट, 30 वॉट, 40 वॉट, 50 वॉट तक आपको डोम लाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं जैसा और मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ACDC की जो PVT की हाउसिंग आती है उसकी काफ़ी सारी रिंग्स रखी हुई हैं। ठीक है ना, रिंग रखी है, और ये इसका देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिफ्यूज़र है। ये देखिए, तो PVT हाउसिंग भी आपको मैं दिखाई देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी PVT हाउसिंग का पूरा स्टॉक है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की PVT हाउसिंग है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग है इसकी। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो ये PVT हाउसिंग ACDC में आप यूज़ कर सकते हैं। ACDC का आपको पूरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आप हमारे पास जो बैटरीज हैं वो 3000 और 2200 के ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, और आपको साथ साथ में अगर ये निकल कैप कहते हैं, शाइनिंग के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनल लुक आता है निकल कैप से। आप एल्यूमिनियम कैप को भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग निकल कैप को ही मांगते हैं, तो आप भी निकल कैप को कंसीडर कर सकते हैं अपने बल्ब को प्रोफेशनल बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ये हमारा निकल कैप हो गया, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अब लोगों की बड़ी दिक्कत होती है कि सर मैं आप मुझे ब्रांड प्रिंट तो करके दे रहे हैं, साथ साथ में मुझे अपना बॉक्स पे भी प्रिंट चाहिए होता है। तो कंपनी ने उसका भी सलूशन निकाला है। तो कंपनी क्या करके देती है, अगर आपको अपने हाउसिंग पे तो लेज़र प्रिंट करके मिलेगा, साथ साथ में आपको ये जो बॉक्स है, ये काले कलर का बॉक्स है, इसमें ऊपर की साइड आपका ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अपने डिब्बे पे भी अपना ब्रांड करवाइए, अपने बल्ब पे भी अपना ब्रांड करवाइए, अपना फुली ब्रांडेड करके अपना मटेरियल सेल कीजिए मार्केट के अंदर। ठीक है ना, और अगर आपको जैसे अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जी हमारा 65 mm का हाउसिंग है जो अपन 12-15 में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अपनी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हाउसिंग है 65 mm की। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारी 75 mm की हाउसिंग आती है, देखिए जो 75 mm की हाउसिंग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हाउसिंग है, और ये देख पा रहे होंगे आप इसमें इसको टिकली है, काफ़ी अच्छी हैवी वेटेड टिकली है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टिकली है इसमें। ठीक है, और आप और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 3000 mAh की बैटरी, इसकी इतनी डिमांड आ रही है कि बैटरी जैसी स्टॉक में आती है टोटली स्टॉक आउट हो जाता है जल्द से जल्द। तो अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो इसके मिले गए नंबर पर कॉल करें और अपना 3000 mAh के साथ ACDC वाला आप मटेरियल मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है इसका। ठीक है, और देख सकते हैं ये 12 वॉट की जो अपनी DUV आती है, 12 और 15 वॉट में जो DUV आती है वो भी अपने पास अवेलेबल है, और ये अल्फा DUV में भी रखा हुआ है। अगर आपको अब 65 mm के साथ आपको जो ड्राइवर लगता है 20 वॉट में, अब 75 mm में जो ड्राइवर आता है 18, 20 और 24 में 75 mm में आप लगा के मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। उसके अंदर तो ये वाला ड्राइवर लगता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ड्राइवर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो PCB है कुछ इस टाइप की रहती है PCB। ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट जो दिखाता हूँ, जो इसका टाइप का जो आप देख पाते होंगे जो अपना हाउसिंग आता है उसका ये अपना डिफ्यूज़र, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिफ्यूज़र है। एक डिफ्यूज़र मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिफ्यूज़र है, तो आप चाहे तो आप सिस्का टाइप में, फिलिप्स टाइप में, जिसमें भी आपको चाहिए, हमारे ब्रांड में चाहिए या फिर अपने ब्रांड में चाहिए, अपने ब्रांड का हाउस प्रिंट चाहिए, जो भी चाहिए आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम की ओर बढ़ते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट आइटम है वो है अपना LED बैटन, जिसको अपन LED ट्यूबलाइट भी कहते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का 4 फीट में ये अपना LED बैटन है। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये 20 वॉट में अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको भी परचेस करके अपने जो हाई मार्जिन में सेल कर सकते हैं। कंपनी पे आप लो रेट पे खरीदिए और मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ इसको सेल कीजिए। और जो भी लोग अपना ब्रांड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, तो आप अपना ब्रांड प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिखाई देता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारे कस्टमर्स की ब्रांड है, ठीक है, ये सारे हमारे कस्टमर के ब्रांड हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं अपने ब्रांड में प्रिंट करवा सकते हैं, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप अपने बॉक्स पे भी अपना प्रिंट करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको अपने बॉक्स पे प्रिंट चाहिए तो आप अपने बॉक्स पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा दे रही है कंपनी आपको, अपने हाउसिंग पे भी प्रिंट मिलेगा, आपको अपने बॉक्स पे भी प्रिंट मिलेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और अपने जो भी है अपने ब्रांड के अंदर काफ़ी अच्छे से सेल कीजिए। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने ब्रांड को बनवाने के लिए, क्योंकि क्योंकि कभी रहता है कि सर हाउसिंग पे तो प्रिंट हो जाता है, बॉक्स पे नहीं होता है, वो आप बॉक्स पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, कुछ ब्रांड्स और दिखाता हूँ जो कि प्रिंट करे रखे हुए हैं। ये लिंगा ब्रांड है, ठीक है, और ये अपना और भी मैं दिखाता हूँ, ये अपना सेफ LED है। ठीक है, तो आप इन ब्रांड के साथ जैसा इनमें छपा है वैसा आप भी अपना ब्रांड बनवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए उन पर कॉल करें और वीडियो में थोड़ा और जुड़े रहें, मैं थोड़ा और आपको कुछ ये दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हमारे पास ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, जो LED सर्किट्स बोलते हैं, LED ड्राइवर, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। ये अपना 9 वॉट का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप ड्राइवर देख सकते हैं, जो आपको मार्केट में अवेलेबल बड़ी मुश्किल में हो पाता है। अगर मिल भी जाता है तो काफ़ी महंगा मिलता है, तो हमारी कंपनी सस्ते से सस्ते दामों में आपको ये वाला ड्राइवर अवेलेबल करवा रही है। इसमें आपको ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, 2 PF फ्यूज और ड्रम कॉइल और MOV लगा हुआ है। पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वर्क हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ SMD रेजिस्टेंस लगे हुए और ये IC लगा हुआ है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड IC है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर और IC दोनों इंटीग्रेट होते हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ऑटो कट ये अपना IC लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ड्राइवर है। और नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अपना जो 12-15 का ड्राइवर आता है वो देख लीजिए, पीछे का SMD वर्क और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो उसमें जो कंपोनेंट्स लगे थे वो सारे इसमें कंपोनेंट हैं, तो आपको 1% भी इसमें शिकायत नहीं आने वाली है 12, 15 और 9 में। और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना जो सर्कल ड्राइवर के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर हमारा DC नहीं जल रहा है, DC में लुपझुप हो रहा है और AC जल रहा है, तो उसके लिए जो भी हमारी कंपनी ने सोल्यूशन निकाला है, जो ड्राइवर बहुत अनबीटेबल ड्राइवर है, तो आप देख सकते हैं पीछे का वर्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, और आगे तो कंपोनेंट्स भर भर के लगे हुए हैं। और एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है, जब आप देख नोटिस कर रहे होंगे, मैं इस ड्राइवर को पीछे से नहीं छू रहा हूँ, क्योंकि जब अपन इस ड्राइवर को पीछे से छूते हैं तो अपने हाथ का जो मॉइस्चर होता है वो उसमें लग जाता है। मॉइस्चर होने के कारण जो ड्राइवर DC वाली सप्लाई को शॉर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि DC वाली सप्लाई हमेशा ड्राइवर के अंदर चालू रहती है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें कि आपको पीछे इसको नंगे हाथों से नहीं छूना है। जब भी आप उसको बनाएं भी तो फाइबर के ग्लव्स आते हैं, उनको पहनकर आप उनको बनाएं, जिससे आपको कम से कम जो DC वाली प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। ठीक है ना, और ये अपना 18 वॉट का ड्राइवर होता है, वो 18 वॉट का ड्राइवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ड्राइवर है। मैं आपको उसका पिछवाड़ा भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं इसमें IC लगी है, ब्रिज रेक्टिफायर है और कुछ डायोड्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी का जो फिलिप्स का जो यूज़ करते हैं उस टाइप का ड्राइवर है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ जो 16 LEDs वाला है, 15 वॉट की जो LED होती है, काफ़ी अच्छे थिकनेस के साथ आता है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है ये। ठीक है, और आपका अच्छे से अच्छा या आप 1 से 2 साल की गारंटी दीजिए, खूब धड़ल्ले से बिकेगा खूब ये वाला, इसके साथ MCPC भी, और ये बढ़िया ड्राइवर है, तो आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली 1% भी। जी अपनी 18 वॉट की है, जो कि 75 mm हाउसिंग में लगती है, मैंने आपको दिखाई भी थी, और एक और बार दिखाई देता हूँ, उस वाली हाउसिंग भी सेट होगी। ठीक है, और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे इसकी भी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। और अब एक चीज़, जो हमारी 9 वॉट की जो PCB है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी अच्छी रोशनी के साथ है। इसका जो पर वॉट ल्यूमिनेंस आता है, मैंने मतलब ना मैन्युफैक्चरर जो हमने भी नापा है, 100 से 120 के बीच में, 120 तक ही रहता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ल्यूमिनेंस है इसकी, काफ़ी अच्छी रोशनी है। तो आप जैसा कि देख पाते हैं इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। अब जो लोग कहते हैं कि सर मेरा बजट कम है, थोड़ा सा मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, 9 वॉट का ड्राइवर बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप इसके साथ साथ RC ड्राइवर या फिर LPF ड्राइवर, सबसे जो बेस्ट मेरे को ऑप्शन लगता है LPF ड्राइवर
ले सकते हैं, और इसमें कम से कम आप 6 महीने से लेकर एक साल की गारंटी आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं आएगा। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एलपीएफ ड्राइवर है, मैं आपको एक एलपीएफ ड्राइवर दिखाई भी देता हूँ, उसमें देखो काफ़ी अच्छे कंपोनेंट लगे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा मैं उचका के इसको दिखाई देता हूँ, एक मिनट थोड़ा वीडियो में बने रहें। ठीक है, देख सकते हैं आप नीचे आपको काफ़ी अच्छे सारे कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है बहुत बढ़िया अच्छा ड्राइवर है, और ये आप अगर आपको एलपीएफ ड्राइवर का भी अगर नहीं है तो आप इसको आरसी ड्राइवर को भी कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आरसी ड्राइवर है। पीछे इसमें देख सकते हैं इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है और एसएमटी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, और अपना पीएफ एक बड़ा वाला, और अपना ये ड्रम सॉरी कैपेसिटर है, ठीक है ना, एक एमओवी एक फ्यूज़ है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, अगर आपको अपना खुद का ब्रांड करवाना है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी हाउसिंग पर और आपके बॉक्स पर हम ब्रांड करके देंगे। धड़ल्ले से सेल कीजिए अपने ब्रांड के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको हमारे ब्रांड में चाहिए हमारे ब्रांड में मिल जाएगा, अगर आपको अपने ब्रांड में चाहिए अपने ब्रांड में मिल जाएगा। तो अगर आप आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई भी मतलब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।